एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था जब उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसे थी जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। राहुल ने डर से आवाज दी, पापा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने अपने बेड से उठकर दरवाजा खोला और हॉल में आया। वहां भी अंधेरा था, बस एक हल्की सी रोशनी किचन से आ रही थी। उसने सोचा, मम्मी किचन में क्या कर रही है इतनी रात को? राहुल धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, उसने देखा कि किचन का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से कुछ खुसुर-फुसुर की आवाज आ रही थी। राहुल ने हल्के से झांक कर देखा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने देखा कि किचन में कोई ऐसा था जो उनके घर का नहीं लग रहा था, एक अजनबी आदमी जिसके हाथ में टॉर्च थी और वो किचन के दरवाजे को बंद कर रहा था। राहुल घबरा के आर जोर से चिल्ला कर बोला, मम्मी पापा, कोई घर में घुस आया है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। राहुल ने तेजी से घूमकर देखा तो उसके पापा सुरेश हाथ में एक रॉड पकड़े खड़े थे। राहुल ने उनसे कहा, पापा वहाँ किचन में कोई है। सुरेश ने उससे देखा और हंस कर बोला, अरे बेटा वो तो इलेक्ट्रिशियन है, तुम्हारी मम्मी ने लाइट ठीक करवाने के लिए बुलाया था, तुमने जो आवाजें सुनी वो उसी की थी। तभी मम्मी आई और बोली, राहुल तुम इतने जल्दी डर गए? सब ठीक है, चलो सो जाओ। राहुल ने हल्का सा पसीना पोछा और सोचा, वाह इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन। सस्पेंस तो यही है